नमस्कार, हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हरीना कौरव। आज हिमाचल कांग्रेस की जनरल हाउस मीटिंग की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, आशा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी मिशन 2017 का रोड मैप तैयार करेगी। इसके अलावा आज की बैठक में संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया जाएगा। बैठक में हिमाचल में कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। तो आज शिमला में होने वाले हिमाचल कांग्रेस की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित। मोहित, तो यहां पर अगर आज की इस बैठक की बात की जाए तो कई मायनों में ये जरूर अहम है। बिल्कुल, ये काफी अहम है, आम बैठक है, आम सभा है और इसमें जो है वो जो पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं और अंबिका सोनी जो कि प्रभारी हैं और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, तो ये तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। इस दृष्टिगत काफी अहम बैठक ये है, मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो अगले साल होना है और ऐसे में जो टिप्स है वो ये जो बड़े नेता हैं वो जो मौजूद पदाधिकारी हैं उनको देंगे। किस तरह से सरकार की नीतियां जो हैं उसका अगर फायदा मिलता है चुनावों में तो किस तरह से उसे आगे ले जाना है और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको किस तरह से जो है वो झुकाना है या पलटवार करना है या फिर जो उसकी जन विरोधी नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाना है, ये तमाम पहलू जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर संगठन को मजबूत रखने के लिए जो आपसी मतभेद है उनको भी किसी तरह से कम करने या खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जो कि पिछले दिनों लगातार जो है सुर्खियों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके बीच मतभेद सामने आए। पीसीसी में जो बदलाव है, एचपीसीसी में जो बदलाव है उसको देखते हुए उसके लेकर मतभेद सामने आए, तो यहां पर ये जो क्योंकि घातक साबित हो सकते हैं आने वाले चुनावों में किसी भी दल के लिए अगर अंदरूनी लड़ाई चल रही जारी है और खासतौर पर तब जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हो, तो तमाम पहलू जो हैं ये शामिल रहेंगे, मुद्दे शामिल रहेंगे कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और किस रणनीति से जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि चुनावों के दृष्टिगत जिस तरह से बीजेपी के पास सरकार के खिलाफ काफी मुद्दे हैं, क्योंकि सत्ता में कोई भी सरकार रहती है तो विपक्ष के खिलाफ निश्चित रूप से उसका मुद्दे रहते हैं, लेकिन उन पर किस तरह से पलटवार करना है और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीजें जो हैं ये आज इस बैठक में जो है वो शामिल रह सकती हैं। जी, और साथ ही मोहित, क्या ये माना जाए कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, हिमाचल से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं, इस पर भी आज कुछ चर्चा हो सकती है? जी निश्चित रूप से, देखिए क्योंकि आम सभा है और यही कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि ये गुटबाजी है उसे कम किया जाए। अगर कम नहीं हो पा रही है गुटबाजी तो कम से कम क्योंकि चुनावी साल है तो यहां पर कांग्रेस की ये कोशिश रह सकती है कि उस गुटबाजी को जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जाए, मतभेद जो है वो पार्टी के अंदर ही रहें और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बैठ करके आपस में बातचीत के जरिए उसको सुलझा लिया जाए। ये जो कोशिशें हैं ये यहां पर सामने हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है कि कहीं ऐसा कोई एक दरार भी अगर संगठन में बाहर जो और वो बाहर अगर दिखती है तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जो है घातक साबित हो सकती है। तो ये तमाम बातें जो है कांग्रेस के जहन में भी हैं, नेताओं के जहन में भी है और इस पर भी जो है वो मंथन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है वो इस तरह की चर्चाओं में खासतौर पर मीडिया अलाउड नहीं होता, तो इस सभा में भी जो है वो खुलकर के बातचीत होनी है तो उसमें जो है वो मीडिया अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर की बातें अगर बाहर जाती हैं तो फिर वो भी कांग्रेस जो है उस पर भी वो जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस बाबत जो है कांग्रेस जो है ये एक बैठक जो है काफी अहम है कुल मिलाकर के और इस पर जो है वो मंथन आज किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि मजबूत बनाएंगे संगठन को और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि छोड़ देने चाहिए जिससे संगठन कमजोर पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, मीडिया को नहीं बुलाया जाता और अंदर क्या कुछ चलेगा ये संभावना ही है। बढ़ते आगे, वहीं आपको ये भी जरूर बता दें कि सरकार और संगठन के बीच चले खींचतान के बीच हो रही जनरल हाउस मीटिंग में कई कांग्रेसी नेता प्रभारी के सामने अपनी बात रखेंगे। अंबिका सोनी 3 दिन के दौरे पर हिमाचल में है, लेकिन उनके सामने सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम वीरभद्र सिंह के बीच संगठन में नियुक्तियों को लेकर विवाद कई दिनों तक चला, हालांकि बाद में दोनों नेता डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। इस बीच सूबे की कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन और सरकार को करीब लाने की कोशिश करेंगी।
सोनी के मुताबिक पंजाब और उत्तराखंड के बाद हिमाचल का नंबर है, इसलिए पार्टी को चुनावी मोड़ पर लाने की कोशिश करेंगी। सरकार और संगठन के बीच के मतभेद पर अंबिका ने कहा कि ये सब चलता रहता है। मैं चाहती हूँ कि पार्टी और सरकार दोनों इलेक्शन मोड की तरफ चलें, या इसको बदलो या उसको बदलो या फलाने को बनाओ, ये तो लगातार चलता रहता है, एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो बदलना बदलना नहीं होता है, एडजस्टमेंट की कई दफा जरूरत होती है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि राहुल गांधी नवंबर में हिमाचल जा सकते हैं, ऐसे में उनके दौरे को लेकर चर्चा होगी, साथ ही ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। राहुल गांधी जी को वहां जाना था, जून में बीमार हो गए, नहीं जा सके, तो अब हम चाहते हैं कि नवंबर में वो जाएं। उससे पहले मैंने सोचा मैं ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलूं, कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, कहीं होता है संगठन में वो करूं। दरअसल हिमाचल कांग्रेस में कुछ नियुक्तियां हुई थी जिन्हें लेकर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा था कि उनकी जानकारी के बिना हरी झंडी दी गई। इस पर कई दिनों तक सुक्खू भी चुप्पी साधे रहे, बाद में दोनों के रुख में नरमी आई। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया।